अपने दोनों एक्सपर्ट के पास लौटेंगे, मितेश के पास और राजेश के पास। राजेश जी, पहले आप बताइए आपके लिस्ट में, क्योंकि आज 18,000 को एक कड़े रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन चलिए छोड़िए, इंडेक्स की बात तो हमने कर ली, स्टॉक्स की बात करते हैं। आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है IEX का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक में देखें तो काफ़ी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मंथली सेटअप के हिसाब से 6 से 8 महीने का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिखा है, और उसके बाद अब ये करंट मंथ में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है पूरे मंथ में, हमने देखा थ्रू आउट द मंथ एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 164 166 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 151 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो बैंकिंग फाइनेंशियल में से अगर हम देखें तो NBFC में कैनफिन होम को यहाँ पे हमने चुना है। कैनफिन होम में देखें तो एक जिस तरीके से मंथली चार्ट पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट बना है, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और इस अप मूव में स्टॉक ने अपने फरवरी के स्विंग हाई को भी सरपास किया है। तो जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है कैनफिन होम में जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 660 तक आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 602 का, कैनफिन होम होगा दूसरा स्टॉक। और तीसरा स्टॉक होगा सिंजिन। सिंजिन में देखें तो वीकली सेटअप पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने एक काफी बड़े रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अगर मंथली सेटअप पे भी देखें तो इसको स्टॉक में ऑलमोस्ट 12 से 15 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट सिंजिन करते हुए दिख रहा है। तो एक नेरो रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट सिंजिन में प्राइस एक्शन में देखने को मिला है। करंट मंथ में स्टॉक में ऑलमोस्ट 13% के गेन है इस मंथ में, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 705 715 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 660 के आसपास। बिल्कुल, सिंजिन के तो नतीजे भी काफ़ी दमदार आए थे। मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी भी हमने देखी थी, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेगमेंट का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। कल नंबर्स थे और आज भी देखिए स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन है। कल से ये स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है और इस साल की शुरुआत से हम स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं। और साथ ही कैनफिन होम्स तो एक महीने में ही करीब 20% चल गया है। लेकिन आज का दिन जो है टायर स्टॉक्स के लिए भी खास है। टायर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती दिख रही है, और जब टायर स्टॉक्स की बात हो रही है कनेक्टिंग प्ले ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी फोकस होना चाहिए, और यही हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर भी है उनकी लिस्ट में। मितेश, गुड आफ्टरनून, बताइए आज ऑटो सेक्टर से जुड़े स्टॉक भी हैं और उसके अलावा बैंक्स फाइनेंशियल्स भी आपके लिस्ट में? एग्जैक्टली, गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे पूरे ऑटो स्पेस का, तो सबसे पहले तो आयशर मोटर रडार पे आ रहा है। अगर आप आयशर मोटर की बात करें तो स्टॉक 3900 लेवल से बहुत ही एक तगड़ी करेक्शन दी है, और पिछले अगर आप वीकली चार्ट देखो तो हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक एंटर हुआ है। स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस 3300 है, वो आज के दिन में वो क्रॉस हो चुका है, और स्टॉक जो है अभी एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होने के लिए रेडी है। तो हमारे हिसाब से एक नए ट्रेंड की बिगिनिंग है आयशर मोटर में। तो आयशर मोटर का जो करंट ट्रेड करंट प्राइस है उसके ऊपर आयशर मोटर लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें आपका रहेगा 3200, पहला टारगेट 3380 और दूसरा टारगेट 3450। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड एज फार एज आयशर मोटर इज कंसर्न। दूसरा है, बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद अभी कैनरा बैंक जो है PSU बैंक बास्केट में से, वो भी पिछले 3 वीक से हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन ही कर रहा है, और उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 301 का, वो सक्सेसफुली उसने क्रॉस किया है। तो हमारे हिसाब से विद इन द PSU बास्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चार्ट स्ट्रक्चर है कैनरा बैंक का। 370 के करंट लेवल्स के ऊपर खरीदा जा सकता है, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा 308 का, पहला टारगेट रहेगा 328 का, दूसरा टारगेट रहेगा 332 का। ये जो स्टॉक है विद इन द PSU बास्केट, वो हैंड इन हैंड बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे चलेगा, और हमें लग रहा है कि विद इन द PSU बैंक जो 3 स्टॉक FNO में है अपार्ट फ्रॉम SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इसमें कैनरा बैंक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रफ्तार आएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज अपोलो हॉस्पिटल। अगर आप अपोलो हॉस्पिटल को चार्ट देखें आप, और स्पेशली मैं मंथली चार्ट की बात करूँगा, तो पिछले 4 महीने से एक बहुत ही टाइट रेंज में है, और 4500 उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। टू बी वेरी प्रिसाइज 4538 जो मार्च महीने का हाई था। मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द ये जो स्टॉक है वो 4538 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा और एक नई टेरिटरी में एंटर होगा, और इसके लक्षांक बहुत बड़े आ रहे हैं पोजिशनल बेसिस के ऊपर। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट टर्म हमने टारगेट थोड़े कम रखे हैं,
तो अपोलो हॉस्पिटल को करंट लेवल के ऊपर खरीदा जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4,350 का। पहला टारगेट है 4,600, दूसरा टारगेट है 4,720। लेकिन अगर आप 6 महीने की अवधि का अगर एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं तो 5,100 के टारगेट्स आएंगे अगले 6 महीने में। बहुत ही बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हमको अपोलो हॉस्पिटल में करंट लेवल से लग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल चल रहा है, आयशर मोटर्स चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ट्रेंड आप देख रहे हैं सिस्टम मेथड के हिसाब से, यानी अपसाइड और पॉसिबल है। ठीक है, ये तो हो गए दोनों हमारे एक्सपर्ट्स के स्पेसिफिक।